जय श्री कृष्ण। एस्ट्रो केपीआर कलकत्ता। आज मैं आपको आपकी कुंडली में आठवें घर में मंगल हो, माना पाताल में मंगल, पराक्रमी सेनापति पाताल में घुस जाए, आप बहुत ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के इंसान होंगे। आपका दबदबा, आपके चेहरे का नूर बहुत शानदार होता है, लेकिन ये पाताल में जाकर जैसे मैं सेनापति घिर जाता है ना, चक्रव्यूह में ऐसा हो जाता है, इस इंसान की वो हालत होती है। मैं इसको एक बुरा योग ही मानता हूँ। माना इसका मतलब है कि भाई जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, ये ऐसा जातक होता है। मेरे येलो बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में मैंने ये एक पेज लिखा है, आप आराम से इसको सुनिए। यू विल गेट द असेसमेंट ऑफ योर हाउस। अगर आपका है तो आठवां मंगल आठवें में नीचे, कुंडली जातक की मांगलिक होती है इसकी। इसकी सातवीं दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है। इससे क्या है, इनकी पत्नी और इनकी बहुएं कर्कश वाणी वाली होती हैं। आपको बहू भी मिलेगी तो आक्रामक बल्लेबाजी वाली, पत्नी भी आक्रामक बल्लेबाजी वाली मिलेगी। जातक और जातक के पिता की आंखों की तकलीफ होती है, इनको चश्मा जल्दी लग जाता है या आंखों में बार बार बीमारी। आठवां मंगल मंगल दोष पीड़ित होता है। भैया अब आगे ये बोलते हैं कि आठवें मंगल जातक को विवाह सुख भी नहीं मिलता है। ये विवाह करेगा तो उसमें भी कई प्रपंच घुसेंगे, घर की कलह मना परिवारों का ऐसा व्यवहार होगा कि अंदर भाई एटमॉस्फेयर शादी के समय ऐसा होगा कि भाई नहीं लड़ते रहते हैं जिस परिवार में आदमी, और कलह करके बेचारा बेडरूम में जाता है स्वागत के लिए। ये होती है, 50 परेशानियों से घिरा हुआ जाके स्वागत मनाए। इनको मित्रों का सुख भी बहुत लिमिटेड मिलता है। मित्र मिलेंगे ना आपको दिल से, जिसको चाहोगे वो पता नहीं क्यों दूर हो जाएगा, या उसकी मृत्यु हो जाएगी या आपसे दूर हो जाएगा परिस्थितिवश कारणवश। माना अच्छे मित्र भी इनके लिए थोड़ी मुश्किल है। इनको भाइयों से भी तकलीफ मिलती है। अगर इनका भाई अच्छा हुआ ना तो उसकी पत्नी होगी ऐसी जो भाइयों को मिलने नहीं, राम लक्ष्मण की जोड़ी तोड़ देवे ऐसे। यह जातक भयंकर गुस्सेल हो जाता है, क्यों, मंगल तो है ही, अब किसी बहादुर इंसान को आप बेड़ियों में डाल दो तो उसकी आंखों में तो प्रताप होता ही होता है, तो आप मान के चलो। यह जातक ऊंची आवाज़ किसी की नहीं सुन सकता है। एर्थ मंगल वाले को जिसने ऊंची आवाज़ में बोल दिया वो उसका अकाउंट क्लियर किए बिना आंखें नहीं बंद करता है। ये याद रख लो, आपने एर्थ मंगल वाले को कभी भी ऊंची आवाज़ में उसका अपमान किया ना, वो आपसे अकाउंट क्लियर करके ही जाएगा दुनिया से। और कुदरत इनको यहाँ साथ देती है, क्योंकि ये सैनिक होते हैं, पराक्रमी होते हैं, मेहनत से धन कमाने वाले होते हैं, अच्छे गुणी इंसान होते हैं। जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे मैंने बोला। अब इस आठवें मंगल के लिए, अगर आपके आठवें मंगल है तो मैं कुछ आपको और चीज़ें और भी बताता हूँ, आप सुनो। आप महान इंसान हो और आप यहाँ चक्रव्यूह में पाताल में फंस गए हो गुफा में, तो आपको निकालने के मैं 4-5 रास्ते बताता हूँ। अगर आप ज्योतिषी सीख रहे हैं तो कलम और डायरी करके इसको रिवाइंड करके सुनना, ये आपके लिए अमूल्य मैं रत्न दे रहा हूँ, मान के चलो आप। पहला, रोज सुबह नहाकर अधिकांश लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। दूसरा, तांबे के लोटे में चावल को
लाल चंदन से भी चावल तांबे के लोटे में, और लोटे पर लाल चंदन का लेप लगाओ। तांबे का लोटा लिया, उसमें लाल चंदन का लेप लगाया, उसमें चावल भरा ऐसे, ठीक है। लोटे पर भी लाल चंदन लगाएं, चावल बिना पकाया हुआ होना चाहिए। लोटे में लाल फूल डालकर, माना चावलों के ऊपर, भगवान हनुमान के चरणों में जाके रख के आ जाओ। साल में एक बार ये करो तो आपका जीवन है ना, तो भाई जैसे सेनापति को है ना, स्मृति हो जाएगी, मैं सेनापति हूँ, सामने वाला क्यों ऐसे कर रहा है। यू विल ऑब्जेक्ट। मिट्टी के कुल्हड़ में शहद भरकर घर से दूर वीराने में जमीन में दबाकर आ जाओ। इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि आपके चौथे भाव में माता को कोई अशुभ ग्रह ना हो। अगर चौथे भाव में अशुभ ग्रह होगा ना, तो ये आप जो दबाओगे ना मिट्टी में, वो नुकसान करेगा, ये ध्यान रखना। आठवें मंगल जातक को हाथी दांत का छल्ला पहनना बहुत शुभ बल देता है। हाथी दांत की कोई भी वस्तु आप शरीर पर धारण करो, माना हाथी कैसा होता है, लापरवाह बेपरवाह, तो मंगल भी बेपरवाह है, सेनापति है, तो उसका जो स्पर्श होगा ना, तो वो आपको याद दिलाएगा कि मैं पाताल में तो गिरा हुआ हूँ लेकिन हूँ हाथी। आपको अपनी स्मृति आएगी, ठीक है। आपको तीन मुखी रुद्राक्ष लेकर चांदी की कटोरी में प्रवोकर जाली में, और उसमें लाल रंग के डोरे में बांधकर गले में बांध देना चाहिए। ये बहुत अचूक उपाय है, लेकिन ये जो तीन मुखी रुद्राक्ष है ना, चांदी का कवच आप जरूर चढ़ाना। मैंने कई जातकों को अपने किया है, वो कहा कि हमने लिया है, क्या लिया है, चांदी के कवच में डाल कर डालो। क्या है, ऐसे ही रुद्राक्ष सीधे से डाल देना जैसे वही कच्चे चावल चबाना है, वो ठीक नहीं होता है। अगर आप ये तीनों चारों जो मैंने उपाय बताया ना करेंगे, आठवें मंगल वाले को देंगे, उसको आप दिल खोल के कह दो कि आप 21 दिन में आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आएगा ज़रूर। दाता सुखी रखे। आशा है आपको आठवें मंगल का संज्ञान पूर्ण पसंद आया होगा। ज्योतिषों के लिए तो जो सीखने वाले हैं उनके लिए अच्छी चीज़ है। मैं अपने संज्ञान को विराम देता हूँ। दाता आप सबको सुखी रखे। चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।